ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्टिकल जिसका मास छोटा m है 6 के साथ मूव कर रहा है, बड़ा m 4 के साथ मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ द लाइटर पार्टिकल आपको निकालनी है। बता रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि एक छोटा मास है, स्मॉल मास है, एक स्मॉल मास है, एक कैपिटल m मास है। जो स्मॉल मास है कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 6, और ये 4, ये 4। आपको ये बताना है आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। आपको लाइटर मास की स्पीड बतानी है, v1 बताना है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू बड़ा मास। तो तुम एक काम करो, v1 का फॉर्मूला लिख लेना, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 टू m2 u2 बाय m1 प्लस m2। तो पहली बात ये, जो m1 है उसमें क्या पुट करेंगे, स्मॉल m, और m2 को क्या पुट करेंगे, कैपिटल m। तो v1 की वैल्यू बन जाएगी स्मॉल m, यहाँ पर बन जाएगी कैपिटल m, स्मॉल m, कैपिटल m, इंटू u1 की जगह 6, 2 इंटू m2, m2 इज कैपिटल m, u2 की जगह ये u2 है, ये u2 है और ये u1 है, u2 की जगह 4 और m प्लस m कैपिटल m, ये बनेगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है? जिन क्वेश्चन में ये लिखा हो कि स्मॉल m बहुत छोटा है कैपिटल m से, तो फिर जहाँ जहाँ m और m का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, अब m और m में ये बहुत छोटा है तो इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैन बी निगलेक्टेड, इसको छोड़ दो, क्योंकि इन दोनों का सम अप्रॉक्सीमेटली कैपिटल m ही आएगा, स्मॉल m का मास निगलिजिबल है, छोड़ दो। सॉल्व करना आप जरा, सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, -6 बनेगा प्लस यहाँ से क्या बनेगा 8, तो आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, तो कहाँ वेलोसिटी होगी, राइट की लेफ्ट, राइट, ओरिजिनल डायरेक्शन यानी कि राइट की तरफ, तो आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग ओरिजिनल डायरेक्शन। लगा भी सकते हैं, आ गया आंसर, सही है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। फर्स्ट नहीं करना, 2D है क्वेश्चन, 1, 2 से स्टार्ट करना, सही है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर करना है आपने, 3 नहीं करना, 4। बी, तो 10 kg का ऑब्जेक्ट है और वो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब u2 इज इक्वल टू 0। 5 kg ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी को हिट करता है आफ्टर दे स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर, स्टिक का मतलब दोनों के दोनों मिल गए, यानी कि 15 kg हो गए और कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे 4 मीटर पर सेकेंड। आपको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, कौन सी कोलिजन है परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि दे स्टिक टुगेदर, और जब दो बॉडीज की सेपरेशन नहीं होती, परफेक्टली इन इलास्टिक, एक ही तरीका है मोमेंटम कंजर्वेशन। टक्कर से पहले मोमेंटम क्या है, 10 × u और प्लस इसका 0, और टक्कर के बाद 15 × 4, निकाल लेना u की वैल्यू आ जाएगी 60/10, यानी कि 6 इज द आंसर, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, एक बॉल ने दूसरी बॉल को हिट किया एंड दे स्टिक टुगेदर। अब स्टिक टुगेदर के बाद तो 4 मीटर पर सेकेंड इज द कॉमन वेलोसिटी, नहीं क्वेश्चन नंबर तो 4 हो रहा है ना। ठीक है,
क्लियर है आंसर? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 करना है? नहीं, मेरे को नहीं लगता, सी तो नहीं लगता। आ सकता है या है में तो बहुत फर्क है। डायग्राम, डायग्राम बनाऊं? क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम बनाऊं? आपको बी लग रहा है? नहीं, वी तो नहीं लग रहा मुझे, मैं फर्क ही ना पड़ा कल टक्कर के बाद। तो देख मैं करूँगा, गलत है फिर भी मैं करूँगा, रुको एक मिनट दिखाता हूँ। देखो नेग्लिजिबल करने का तरीका है एक, मैं एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, मैं चेक करता हूँ। देखो जब मैं बोलता हूँ निगलेक्ट कर दो, अगर तो स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम है, और मैंने आप मान लो कैलकुलेशन हो रही है और कैलकुलेशन में ये गिवन है वाई इज इक्वल टू एम इंटू एम, और स्मॉल एम बहुत 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 छोटा है कैपिटल एम से, बहुत ही बहुत छोटा है, तो क्या करूँ, स्मॉल एम को जीरो कर दूँ? हाँ ये सही है, मैंने तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 हाँ इतने पैसे देने हैं जितने भी हैं, और स्मॉल एम चलो छोटा है कोई नहीं, कितना 10 10 कर देता हूँ। अब मैंने तुम्हारे बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं, तुमने कहा सर कोई नहीं तुम इसको ज़ीरो कर दो, 10 रुपये की बात क्या है, तो मैंने कहा ठीक है इंटू ज़ीरो करके कोई पैसा नहीं देना। मल्टीप्लीकेशन में निगलेक्ट नहीं हो सकता, एडिशन और डिवीजन में ही निगलेक्ट हो सकता है। अब 1 करोड़ में 10 रुपये देने हैं तो 10 रुपये छोड़ 1 करोड़ दे, ये तो बात समझ में आती है, मल्टीप्लाई में थोड़े निगलेक्ट करोगे, तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, मल्टीप्लीकेशन मत कर देना, ठीक है, जहाँ एम प्लस एम है या एम माइनस एम है वहीं पर करना। नहीं मेरे ख्याल से 2B आंसर है इसका, बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम मूव विद द वेलोसिटी ऑफ वी एंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, अब बड़ा एम छोटे एम को टक्कर मारेगा, 2B, तो आपको बताना है कि छोटे एम की वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। चलो डायग्राम बनाएं एक मिनट, पहले देखो कोलिजन की प्रॉब्लम अगर आपने बिना डायग्राम के की ना, मैं बता रहा हूँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आपको थोड़ा सा विजुलाइज तो करना चाहिए, जैसे बड़ा मास छोटा मास लाइंग एट रेस्ट, U2 इज इक्वल टू जीरो, छोटा मास आ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, बड़ा मास आ रहा है विद वेलोसिटी ऑफ वी, ऐसे टक्कर हो रही है, और क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल एम बहुत बड़ा है स्मॉल एम से, सही है, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी मान लो V1 है, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी मान लो V2 है, आपको क्वेश्चन में छोटे मास की वेलोसिटी बतानी है क्या है, ये क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं V2 का फॉर्मूला लगा देते हैं, V2 का फॉर्मूला M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1 इंटू U2 प्लस 2 इंटू M1 इंटू U1 बाई M1 प्लस M2। पहली बात तो U2 जीरो है, चलो अच्छी बात है, ये तो उड़ी गया, बात ही खत्म होगी इसकी तो, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं, ये मास है M1 और ये मास है M2, तो पुट कर देते हैं 2 इंटू M1 की जगह कैपिटल M और U1 की जगह V और डिनोमिनेटर में M प्लस स्मॉल m, ऐसे ये रहेगा, ठीक है यहाँ तक। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल M बहुत बड़ा है स्मॉल m से, तो डिनोमिनेटर में स्मॉल m को मैंने हटा दिया, जब मैंने हटाया तो मेरे पास ये बच गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 2V। जब आप बुक्स देखेंगे इसमें ऐसे लगा हुआ, इक्वल टू नहीं लगा होगा, अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि आपने अप्रॉक्सीमेशन चलाई है, तो इक्वल टू की जगह अंदाजे से इसकी वेलोसिटी ट्वाइस होगी, रेस्टिट्यूशन से नहीं हो पाएगा क्योंकि मासेस का गेम है इसमें, मास बड़ा छोटा करना है, मास नहीं लोगे तो फिर बात क्या होगी। हाँ बिल्कुल कॉमन सेंस तो है, सही है, वो कह रही है कि इतनी बड़ी बॉडी अगर छोटी सी बॉल को हिट करेगी
तो यार वो अपनी वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी, वी से तो आंसर ज़्यादा ही आएगा, आधी कैसे होएगी। और लेकिन जब आप बैठोगे ना पेपर देने, आप डर जाओगे, आप कहोगे नहीं मैं सॉल्व ही करके देख लूँ, पक्के रिजल्ट, पक्के रिजल्ट ही है। तो थोड़ा वैसे सोच तो गलत नहीं रहे हो, सही सोच रहे हो। फिर इसके बारे में क्या ख्याल है, V1 के बारे में क्या ख्याल है, कॉमन सेंस क्या कहती है, V1 की वेलोसिटी क्या होगी? लो फिर लगाओ, V से ज़्यादा होगी, V से कम होगी, कि V के इक्वल होगी? जीरो होगी। जीरो मतलब बड़ी बॉडी, छोटी सी चींटी देखकर, मतलब हाथी ने चींटी को टक्कर मारी और हाथी बेचारा डर गया और रेस्ट, नहीं, ये बात नहीं बनी यार, थोड़ा मास बड़ा है, नहीं हो पाएगा, वी रहेगी, पता ही नहीं लगेगा कि कुचली गई की बेचारी छोटी बॉडी, टक्कर भी हो गई। इसको इसकी वेलोसिटी मेरे हिसाब से कॉमन सेंस कहती है वी ही रहेगी। फिर भी तुमने पक्का देखना है तो V1 का फॉर्मूला लगा के देख लो, आंसर वी ही आएगा, वी ही आएगा, क्योंकि बड़ी बॉडी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो आंसर वी रहेगा, छोटी को फर्क पड़ेगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 करना है, 7 भी करना है, 8 भी करना है और 9 भी करना है। 6th का सी है, चेक करना, पता नहीं, एक मिनट पहले 6th, ऐसे यार याद नहीं मेरे को आंसर। 6th का राइट गई कि लेफ्ट गई? चेक कर दो। टू रबर बॉल्स ए एंड बी मासेस 200 और 400 ग्राम है, आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ ए 0.3 है। आफ्टर कोलिजन द टू बॉल्स कम टू रेस्ट, देन द वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू व्हाट? देखो इस क्वेश्चन के अंदर, 6th क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि टू दो बॉल्स हैं। देखो एक बॉल है 200 ग्राम की, इतने केजी की, और दूसरी 400 ग्राम की, ये लो इतने केजी की, एंड मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड, और ये मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट है, टक्कर के बाद ये दोनों किस पे आ जाती हैं? एट रेस्ट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वी की वैल्यू क्या है। पहली बात इसमें लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि मास का चक्कर है इसमें, बेसिकली रेस्ट पे आ गई, फाइनल वेलोसिटी पता ही है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? 200 बाय 1000 इंटू 0.3 प्लस माइनस साइन के साथ 40 बाय 400 बाय 1000 इंटू वी, और फाइनल मोमेंटम कितना दोनों का? जीरो। निकालो वी कितना आ रहा है? ओके 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 ओके, ठीक है, मैं समझ गया। रुको रुको रुको, दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ना यहीं पर माइनस पुट कर लिया, मैंने कहा कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो वी को नेगेटिव ले लेते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा कि नेट मोमेंटम जीरो करके मैंने शो भी किया, मेरी वी की वैल्यू आ गई कितनी? 0.15। ठीक है, लेकिन जब मैं आंसर पुट करने लगा, आंसर ए बी सी डी में ये तो नहीं गिवन कि लेफ्ट या राइट है, नहीं गिवन, तो कैसे बताओगे कि लेफ्ट की तरफ की राइट की तरफ? माइनस लगा के बताओगे, तो माइनस लगाओ और बताओ कि माइनस 0. आंसर में लिखने आपके, आपने माइनस 0.15, ताकि ये बता सको इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं आप, यहां पर माइनस ना पुट करो, प्लस रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली आंसर में क्या आएगा फिर? नेगेटिव। लेकिन आपको जो वेलोसिटीज इस तरफ लेफ्ट की तरफ हैं, उन्हें आंसर में माइनस के साथ ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑप्शन में दे रहा है प्लस माइनस। प्लस का मतलब, प्लस वेलोसिटीज का मतलब मूविंग इन राइट डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो क्योंकि आंसर लेफ्ट की तरफ है,
तो बेचारा वो लेफ्ट तो लिख नहीं पाया, उसकी जगह उसने क्या लगा दिया, माइनस आंसर। हाँ इसका आंसर माइनस 0.15 ही मार्क करना है, और कोई तरीका नहीं है। हाँ सेवन्थ का बी कैसे, सेम मास है। अच्छा देखे, बॉल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5, ये देखो एक बॉल है वो 5 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करती है, और एक आइडेंटिकल बॉल, आइडेंटिकल बॉल का मतलब मास सेम है, रेस्ट पे पड़ी हुई इसको टक्कर मारती है। अगर पहली बॉल स्टॉप्स टक्कर मारने के बाद वो कह रहा है ये बॉल किस पे आ गई, एट रेस्ट, तो सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या होगी ये बताएं। अब इसमें ई तो गिवन नहीं है, ये इन इलास्टिक नहीं है, एज्यूमिंग ये इलास्टिक ही है, इलास्टिक कोलिजन में अगर मासेस बराबर हो तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, और वो तो कह ही रहे कि 5 0 पे आ गया, तो फिर 0 वाली वेलोसिटी किस पे आ जाएगी, 5 पे आ जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकंड आंसर सही है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई ना, 5 इसको मिल गई, 0 इसको मिल गई, और मास आइडेंटिकल है तो वेलोसिटी एक्सचेंज कर दो, आंसर समझ में आ रहा है यहां तक। 8th डी, डी है डी, इसमें इसमें कुछ हिंट गिवन ही नहीं है इन इलास्टिक का, तो इलास्टिक है, जब कुछ ना समझ में आए ना कि ई नहीं दे रहा, एनर्जी लॉस भी नहीं दे रहा, तो इलास्टिक है। नहीं जी नहीं, वेलोसिटी वी की वी थोड़ी ना हो जाती है, वेलोसिटी तो चेंज होती है, वो तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। डी का वेलोसिटी तो आफ्टर V1 V2 चेंज होती है। फर्स्ट बॉल की कोलाइडिंग बॉल ना, टोटल नहीं, पहली वाली जिससे टक्कर मारी, जिससे टक्कर मारी उसकी बात हो रही है। डायग्राम बनाओ, फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर का बोला उसने, रेशो V1 V2 पूछी, फ्रैक्शन एनर्जी कहाँ है, नहीं वो फ्रैक्शन है ही नहीं। तो 8th क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है, एक बॉडी है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, ये टक्कर मारती है 2m को, विच इज लाइंग एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब u2 इज इक्वल टू 0, तो u1 v गिवन है, u2 0, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है v1, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है v2, मान लो v1 v2 इलास्टिक कोलिजन है, आपको निकालना है जो कोलाइडिंग बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले और बाद में क्या आती है, क्वेश्चन है, तो आपको रेशियो निकालनी है, पहले टक्कर से पहले एनर्जी कितनी है, 1/2 mv² आपको रेशियो निकालनी है, और बाद में एनर्जी कितनी है, 1/2 m × v1² 1/2 mv² / 1/2 m × v1 ये निकालना है। तो तुम इसके लिए v1 निकाल लो ना, v1 का फॉर्मूला लो, m1 m2 m1 + m2 × u1 (2m × u2)/m1 + m2 u2 को तो सीधा 0 ही पुट कर दो, तो एक मास कितना है m है, एक कितना है 2m है और u1 कितना है v, कितना है सॉल्व करके माइनस, ये लो इसे सॉल्व करो, -v/3, अब यहाँ पर पुट कर देना 1/2 m × v² 1/2 m × v1, v1 की जगह -v/3 whole square, चेक करो 9:1 आएगा, सॉरी उल्टा है, 9 ऊपर जाएगा,
तो इसका आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन करना है, चेक करता हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन चेक करें प्लीज़। हाँ, नाइन्थ का बोलो आंसर क्या आ रहा है। ए बिल्कुल सही है। बॉडी जिसका मास 5 kg है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, 10। तो 5 kg की बॉडी है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, कोलाइड्स अनदर बॉडी ऑफ मास कितना, 20 kg एट रेस्ट, u2 इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी ड्यू टू कोलिजन इज इक्वल टू वॉट, नहीं एंड कम्स टू रेस्ट भी है। 5 kg की जो बॉडी है वो फाइनली किस पे आ जाएगी, एट रेस्ट, टक्कर मारने के बाद रेस्ट। तो v1 क्या हो जाएगा, 0। और क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी निकालनी है 20 kg की, v2। तो लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन, 5 × 10, और इसका मोमेंटम क्या है, 0, इसका मोमेंटम क्या है, 5 × 0, इसका मोमेंटम क्या है, 20 × v2। निकाल लेना, v2 की वैल्यू आ जाएगी आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक, बॉल्स का मोमेंटम कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद क्या कर देना है, सेम। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। 10th हमने कर लिया वैसे, बी नहीं, बी हाँ बी, v2/v1 आज किया था, आज इन इलास्टिक कोलिजन की थी ना, तो इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको v1 v2 निकाल के दिखाया था, वो क्या फॉर्मूला था, v × 1 + e/2, v × 1 - e/2, इसकी रेशियो सेम क्वेश्चन है ये, तो मार्क कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 11, ए क्वेश्चन नंबर 11, कितनों का हो गया 11th? देखो 11th है, बुलेट जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m एट रेस्ट एंड गेट्स एम्बेडेड, कौन सी कोलिजन है? परफेक्टली
इन इलास्टिक, क्योंकि बुलेट जब ब्लॉक में आएगी एम्बेड हो जाएगी तो दे विल मूव टुगेदर परफेक्टली इन इलास्टिक. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कॉम्पोजिट ब्लॉक विल बी इक्वल टू व्हाट? तो मेरे को क्वेश्चन में ये गिवन है, एक बुलेट है जिसका मास एम है और वेलोसिटी वी है, रेस्ट पे पड़ा हुआ ब्लॉक है कैपिटल एम, यू टू इसका मतलब ज़ीरो, और एक एम्बेड हो जाती है यानी कि मास इसके इक्वल हो जाएगा एंड दे विल अटेन अ कॉमन वेलोसिटी. सबसे पहले निकालो कॉमन वेलोसिटी एम इंटू वी प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू कॉमन वेलोसिटी. तो कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू आएगी एम वी बाय एम प्लस एम. आपको निकालनी है इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम प्लस एम इंटू कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम प्लस एम कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लेना एम वी अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर. इसे सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करके ए ऑप्शन आएगा. पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 12th कितना आंसर है? सी आंसर है. 12th हो गया किसी का? 12th सेकेंड बॉडी न्यूक्लियस. हाँ इसका आंसर सी आ रहा है. देखो इसके अंदर आपको ये गिवन है कि अल्फा पार्टिकल जिसका मास एम है सफर्स वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन विद अ न्यूक्लियस ऑफ अननोन मास. तो कोई अल्फा पार्टिकल है और वो कह रहा है कि टक्कर के बाद अल्फा पार्टिकल ने 75% काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर दिया. लो डायग्राम बनाओ पहले. तो डायग्राम बनाओ, ये अल्फा पार्टिकल है जिसका मास एम वन है, एम है और मान लो ये मूव करती है विद द वेलोसिटी ऑफ यू वन, ये अल्फा पार्टिकल है और ये न्यूक्लियस है और ये किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट. यू टू इज इक्वल टू जीरो, मास मुझे पता नहीं कितना है. टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी वन और न्यूक्लियस की मुझे पता नहीं मास कितने हो जाती है वी टू. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टक्कर मारने के बाद ये जो अल्फा पार्टिकल है बैकवर्ड मतलब मैंने डायग्राम गलत बनाया, बैकवर्ड मींस ये वापस आ जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट अस सपोज वी वन. टक्कर मारते ही 75% ऑफ एनर्जी अल्फा पार्टिकल 75% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या कर जाता है? लॉस कर जाता है. अब इसकी इक्वेशन बोलो क्या बनेगी? पहले अल्फा पार्टिकल की एनर्जी थी कितनी बताओ? हाफ एम वन, हाफ इंटू एम इंटू यू वन स्क्वायर. टक्कर मारने के बाद जब ये वापस आया तो एनर्जी कितनी है? हाफ इंटू एम इंटू वी वन स्क्वायर. तो इससे पूछा कि भाई डिफरेंस क्या आया? कहता जी लूज हो गया, एनर्जी लूज करके आया हूँ, पहले इतनी थी अब इतनी है. और कितना लूज करके आया है? 75% ऑफ जो इसके पास इनिशियल थी, और इनिशियल कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर. तो जो डिफरेंस आएगा अल्फा पार्टिकल के बाद जो पहली एनर्जी थी, नहीं 75% लॉस है, मैं तो लॉस निकाल रहा हूं ना, बची हुई थोड़ा निकाल रहा हूं. जैसे मान लो अल्फा के पास पहले एनर्जी 100 जूल थी, अब एनर्जी इसके पास 25 रह गई, तो लॉस कितना हुआ? 100 माइनस 25 75. तो मैं भी वही कर रहा हूं कि इनिशियल इतनी थी, बाद में इसके बाद टक्कर के बाद इतनी रहेगी तो गई कहां? 75 लॉस हो गई, लॉस है. तो यहां से हाफ एम हाफ एम हाफ एम कैंसल, तो यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज 75% ऑफ 100 इंटू यू वन स्क्वायर. ठीक है तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई यू वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर 3/4 इंटू यू वन स्क्वायर. ये आपकी इक्वेशन नंबर वन है.
ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके और सॉल्व करो वी वन की इक्वेशन नंबर वन, यहां मत छोड़ो इक्वेशन नंबर वन और सॉल्व करो रादर, इसे सॉल्व करके वी वन बोलो कितना आ रहा है, कितने टाइम यू वन, कितने 1/2 u1 ये आ रहा है, अंडर रूट लेने के बाद 1/2 आएगा क्योंकि ये u1 स्क्वायर यहाँ एडजस्ट होगा ना, u1 स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। सही, अब शुरू करते हैं। v1 का फॉर्मूला था कितना, m1 - m2 / m1 + m2 × u1 + 2 m2 u2 m1 + m2 u2, क्या हो गया जीरो। जीरो v1 की वैल्यू बोलो यहां पर क्या पुट करें, हमें निकालना क्या है, हमें न्यूक्लियस का मास निकालना है, m2 निकालना है, तो v1 की जगह क्या पुट करें बोलो। हाँ भाई, v1 की जगह क्या पुट करें, v1 की जगह -u1/2। वो रीबाउंड कर रहा है ना, लास्ट लेक्चर में क्या किया था, अगर रीबाउंड कर रहा है लेफ्ट की वेलोसिटी है तो v1 की जगह -u1/2। अब करो m1 की जगह m2 आपको निकालना है, m + m2 निकालना, जरा m2 क्या आ रहा है, 3 m आ रहा है आंसर। कंबाइन पुलिस मीन्स कंबाइन स्टिक टुगेदर, ये स्टेप समझ में आ रहा है, रीबाउंड को भूल मत जाना, रीबाउंड मतलब वेलोसिटी यहां से, ये क्वेश्चन क्लियर है। u1 इसको रीअरेंज किया ना, v1² = u1² - 3/4 × u1² रीअरेंजमेंट, माइनस करके u1² / 4, फिर अंडर रूट ले लिया, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां से पुट करेंगे आंसर आएगा, मैंने तभी 2D स्टार्ट नहीं किया, सोचा आज 1D की कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा, 15-20 प्रॉब्लम होमवर्क दूंगा, तब जाके 1D सेट बैठ जाएगा, फिर 2D शुरू करेंगे अगली बार। ज़्यादा है थोड़ा सा, एक स्टेप ज़्यादा हो गया, कर ही लेते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अल्फा पार्टिकल 13, क्या आंसर है इसका, डी आज किया ना, रेस्टिट्यूशन वाला है, एक हाइट अगर एच है तो अगली हाइट ई स्क्वायर एच है, वो क्या कह रहा है, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब e²h × e²h, e⁴h, वैसे भी हाइट ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है, कहीं ई स्क्वायर आई नहीं रहा ABC में, बनता है डी ऑप्शन है। नेक्स्ट 14th, सी सी, तो एक स्मूथ स्फेयर है जिसका मास एम है, कैपिटल एम है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ यू है, इलास्टिक है और मास छोटा एम है, रेस्ट पे है, तो u2 क्या हो जाएगा जीरो, u1 क्या हो जाएगा u, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज आर कैपिटल वी एंड स्मॉल वी, तो आपको स्मॉल वी निकालना है, स्मॉल वी का मतलब वी टू निकालना है, तो इसमें वी टू की वैल्यू का फॉर्मूला लगा लो, तो वी टू का फॉर्मूले में यू टू तो जीरो ही हो जाएगा, तो वी टू का फॉर्मूला लगा लेना, m2 - m1 / m2 + m1 × u1, यू टू तो वैसे ही जीरो है छोड़ ही दो, एम टू की जगह पुट कर लेना छोटा एम, एम वन की जगह बड़ा एम, छोटा एम बड़ा एम डिवाइड इंटू कितना यू, ठीक।
नहीं कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ U20 है। देखो एक स्मूथ स्फेयर कैपिटल एम यू कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर स्फेयर ऑफ मास स्मॉल एम एट रेस्ट, सही है। आफ्टर कोलिजन देयर फाइनल वेलोसिटीज आर कैपिटल वी एंड स्मॉल एम, द वैल्यू ऑफ छोटा वी, छोटा वी V2 निकालना है। हाँ फर्स्ट V2 चाहिए, ये मैं मानता हूँ V2 निकालना है, सही है। तो मैंने सेकेंड को जीरो कर दिया गलती से, राइट। तो M2 प्लस M1, वही गड़बड़ की ना, पूरा फॉर्मूला लिखना चाहिए, 2 M1 U1 बाई M1 प्लस M2, अब सही है। U2 वाली टर्म जीरो होगी, राइट सही है। तो वैल्यू पुट कर लो, 2 × M1 की जगह बड़ा M है, फिर ये U है, बड़ा M और छोटा M है, तो 2U 1 प्लस छोटा M बाई बड़ा M है आंसर, ये आंसर है। बहुत बड़ी वैल्यू बोला ही नहीं उसने, उसने बड़ा एम लगाने का मतलब बहुत बड़ा नहीं होता, सिंबल चेंज है। जब तक वो बोले ना ग्रेटर देन, ग्रेटर देन तब तक नहीं, हाँ तब है, नहीं तो नहीं। सही है यहाँ तक, कैसे करना समझ में आ रहा है, फॉर्मूला ही लगाया, कुछ किया भी नहीं है इसमें। 15th D 20 kg की बॉल है मूविंग विथ 6, तो 20 kg की बॉल है मूविंग विथ 6 m/s, 30 kg की बॉल है रेस्ट पे पड़ी हुई है, अगर दोनों कंबाइन हो जाते हैं, पुलिस का मतलब कंबाइन हो जाते हैं, फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो टोटल 50 kg कॉमन वेलोसिटी, मोमेंटम कंजर्वेशन 20 × 6 + 0 = 50 × VC, निकाल लेना VC आ जाएगा। कंबाइन होने का मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, खत्म, मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेना। सिक्सटीन का सी है, रुको रुको रुको, 16 ये क्लियर है, ये 15 तो क्लियर है ना, 16 है, दो मासेज हैं 0.25 मूव टुवर्ड ईच अदर, देखो 0.25 kg का मास 3 m/s से मूव करता है, 0.25 का मास 3 के साथ मूव करता है, इन 1 के साथ मूव करता है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है, एंड दे स्टिक टुगेदर। अब स्टिक में क्या हो जाएगा, इनका मास 0.5 हो जाएगा, कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन 0.25 × 3 प्लस माइनस 0.25 × 1 और 0.5 × VC, देखो ना ये इंपॉर्टेंट है, दो बॉल्स ऑपोजिट मूव कर रही हैं, तो एक का मोमेंटम पॉजिटिव, एक का मोमेंटम नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेफ्ट मूव कर रही है उसका मोमेंटम पॉजिटिव नहीं लेना, उसका मोमेंटम नेगेटिव लेना है, क्लियर है यहाँ तक। तो ऐड करके VC की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर।